सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी एंड इंजीनियर्स की पाठशाला। आप सभी सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम ऑन दिस सेशन। दिस इज रंजन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस और AEJEE एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड ये सीरीज जो कि बुनियाद बैच के नाम से आप सबके लिए ऑन गोइंग है। इसका आज 44th लेक्चर है और मस्त तरीके से इस लेक्चर को कंप्लीट करें। उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन जल्दी से मैं बता दूं। अन अकेडमी की प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये अवेलेबल है। टारगेट एग्जाम गेट IRMS ESE और CSE एग्जामिनेशन जो है वो है। गोल का नेम जो है दैट इज गेट एंड ESE EEC। तो नया बैच जो है वो 18 जनवरी से हो रहा है शुरू, उड़ान 2024 और बुनियाद 2025 के नाम से। ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेटजी बाय अंकित गोयल सर 9:30 AM होगा। सिग्नल एंड सिस्टम बाय भीमा शंकर सर जो है वो 8 PM रहेगा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय BV रेड्डी सर जो है वो 5 PM रहेगा। यहाँ पर अनलॉक कोड इस कंटेंट का है GA1111। इसके अलावा टीम अन अकेडमी एंड गेट अकेडमी EEC ये देख सकते हैं आप, सभी के सभी फैकल्टीज आपको इसमें मिलेंगे। अनलॉक कोड GA1111 यहाँ पर है। अप टू 30% ऑफ ऑन ऑल द गेट एंड EEC सब्सक्रिप्शंस अप टू 13th of January। प्लस सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये सभी अमाउंट है जो आपको पे करना होता है, यानी कि 12+2 months फ्री 35,339, 15+2 months फ्री दिस इज 39,599, 18+2 months फ्री दिस इज 44,976 एंड 24+2 months फ्री दिस इज 53,737। ये अमाउंट आपको पे करना होता है इस कोर्स को लेने के दौरान। एक्चुअल इसकी वैल्यू ये है, बट डिस्काउंट होने के बाद इस अमाउंट में आपको ये कंटेंट मिलता है। वहीं आइकॉनिक की बात करूं तो 12+2 months फ्री ये मिलता है आपको 47,700 पर, 15+2 months फ्री दिस इज अवेलेबल एट 53,099 rupees, 18+2 months फ्री दिस इज अवेलेबल एट 57,600 rupees एंड 24+2 months फ्री इज अवेलेबल एट 67,050 rupees जस्ट बाय यूजिंग द कोड GA1111 इस कोड के इस्तेमाल से, ठीक है। इसके अलावा प्रतिज्ञा बैच फॉर गेट 2024 एंड 25 जो है ये अवेलेबल है। लाइव गेट क्लासेस बाय गेट अकेडमी EEC सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट से शुरुआत होती है फ्रॉम सुजय सर डेली एट 7 PM। इसका 15 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 5,499 में अवेलेबल है और 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज अवेलेबल ऑन 7,499 rupees जस्ट आफ्टर यूजिंग दिस कोड GA1111। इसके अलावा प्रतिज्ञा बैच की कंप्लीट टीम गेट अकेडमी आप देख सकते हैं EEC यहाँ पर है। अनलॉक कोड सेम GA1111। इसके अलावा मास्टर योर गेट प्रिपरेशन विद द गेट अकेडमी एंड अन अकेडमी, तो यहाँ पर आप देखिए टॉप एजुकेटर्स का पढ़ा हुआ ये कंटेंट आपको मिलता है जिसमें लाइव गेट क्लासेस बाय गेट अकेडमी 5,499 rupees में अवेलेबल है फॉर 15 मंथ्स एंड 30 मंथ्स के लिए कोर्स आपको 7,499 में अवेलेबल हो जाता है। वहीं सेल्फ स्टडी रिकॉर्डेड इंग्लिश 5,499 rupees में 15 महीने के लिए और 7,499 में 30 मंथ्स के लिए। सेल्फ स्टडी रिकॉर्डेड हिंदी इंग्लिश फॉर गेट 3,999 rupees फॉर 15 मंथ्स एंड 4,999 rupees फॉर 30 मंथ्स अवेलेबल है जस्ट आफ्टर यूजिंग द कोड GA1111। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुना बैच जो है, अर्जुन बैच आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज के फॉर्म में गेट 2023, 24 और 25 के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच अवेलेबल है। जी ड्राइव कंटेंट इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है 2,999 rupees इंक्लूसिव ऑफ GST है। वहीं पेन ड्राइव कंटेंट जो है इसकी स्टार्टिंग प्राइस 8,999 rupees इंक्लूसिव ऑफ GST, जिसमें एसेंशियल एंड जीनियस मोड्स भी अवेलेबल इन द वेबसाइट और आप अपना रिकॉर्डेड कोर्स बुक कर सकते हैं एट दिस वेबसाइट, फ्रॉम दिस वेबसाइट www.gateacademy.co.in या अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है गेट 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, जिसकी मॉक टेस्ट की रिस्पेक्टिव डेट्स जो है वो ये सभी हैं। स्कॉलरशिप आपको इसमें मिलती है 1 crore+ की फॉर टॉप 3,000 रैंकर्स। टॉप 60 रैंकर्स को मिलता है 100% का स्कॉलरशिप। रैंक 1 से 10 100% स्कॉलरशिप, रैंक 11 से 60 75% स्कॉलरशिप, रैंक 61 से 250% स्कॉलरशिप एंड रैंक 201 to 500 25% स्कॉलरशिप। एंड यू कैन एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस टेस्ट जस्ट बाय यूजिंग द कोड GA1111। तो ये तो थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो GA1111 कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से यूज़ करिएगा जब भी आप ऐसे कोर्सेज परचेज करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं मॉड्यूल की। तो आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से वेलकम इस सेशन पर। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वेलकम ऑन दिस क्लास। आज सिंगल फेज AC के नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। AR इंजीनियर्स हेलो डियर, वेरी गुड इवनिंग। अभिषेक हेलो डियर। श्रेया वेरी गुड इवनिंग डियर। उत्कर्ष वेरी गुड इवनिंग माई डियर। अभिषेक वेरी गुड इवनिंग माई डियर। अभिषेक वर्मा आपको भी वेरी गुड इवनिंग माई डियर। खुशी वेरी गुड इवनिंग माई डियर। उत्कर्ष अरे वाह, गुरुजी भी आज कनेक्टेड है ना, चलिए बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग माई डियर। तो आप सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन दिस सेशन। सगुन वेरी गुड इवनिंग माई डियर। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, देखिए इतना पोर्शन जो इसके अंदर लिखा हुआ था ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज का टॉपिक है हमारा पावर ट्रायंगल
एंड पावर फैक्टर, यहाँ पर पहुँच गए। तो लगभग हम लोग इस चैप्टर के एंड पर पहुँच चुके हैं। ये जितना भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब कुछ आपने कवर कर लिया है ना, इंपीडेंस ट्रायंगल, जियो ऑपरेटर, सारी चीज़ें। कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल से पहले, और ये दो टॉपिक खत्म करते ही आप न्यूमेरिकल के लिए हो जाएंगे एलिजिबल। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर का एनालिसिस, RLRC सर्किट्स का, ये बचा हुआ है। टाइम कॉन्स्टेंट का पार्ट जो है वो बताना बचा हुआ है। ये दो चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा तो ये चैप्टर आपका फुल लेंथ कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपको थ्री फेज बताऊंगा इसके बाद, जो कि अगला चैप्टर होगा। लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल का पार्ट। अरे वाह, उत्कर्ष ने लिखा 20 जनवरी का एग्जाम पोस्टपोन होकर 27 जनवरी को हो गया। अरे तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो फिर तो बेस्ट वे में कंप्लीट कर लेंगे, तब तो और अच्छे वे में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आदित्य वेरी गुड इवनिंग माय डियर, तन्मय वेरी गुड इवनिंग, जितेंद्र वेरी गुड इवनिंग माय डियर, ठीक है, प्रमोद वेरी गुड इवनिंग माय डियर। तो चलो, उत्कर्ष ने बहुत बढ़िया सा न्यूज़ दिया, तो अब तक तो और बढ़िया बेस्ट वे में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पावर ट्रायंगल, जल्दी जल्दी से मस्त से पढ़ेंगे और इसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। सो दिस टॉपिक इज पावर ट्रायंगल, ठीक है। पावर ट्रायंगल क्या होता है? इंपीडेंस ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, रेजोनेंस अभी जस्ट कंप्लीट किया हम लोगों ने पिछले दिनों, और पावर ट्रायंगल का पार्ट जो है वो अब देखते हैं। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कीजिए सर, प्रमोद ने लिखा हुआ है। हैंड रिटन नोट्स जो है, अच्छा ऐसा डेली का बोर्ड वर्क वाला नोट जो है वो मैं ग्रुप पे आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, बट हैंड रिटन नोट्स जो है वो आप लोग खुद से बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अपने हाथ का लिखा हुआ नोट जो है उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। लास्ट एग्जाम था उस दिन वो भी बैक वाला। अरे वाह उत्कर्ष, अरे ये साल मतलब ज़बरदस्त होने वाला आपके लिए, देखना, है ना। चलिए, सो पावर ट्रायंगल, व्हाट इज पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, AC सर्किट्स में पावर ट्रायंगल बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन है। पावर ट्रायंगल जो है बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने स्टार्टिंग में एक समय बताया था आप लोगों को, कुछ समय पहले इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग बात किए थे इस बारे में कि पावर ट्रायंगल बेसिकली बताता है कि पावर का एक्सप्रेशन नॉर्मली VRMS और IRMS के फॉर्म में हम बताते हैं, लेकिन पावर ट्रायंगल आपको पावर के बाइफरकेशंस बताता है। यानी कि पावर को अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के हिसाब से चलें, फेजर का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसको तीन तरीकों से पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ा था रेक्टेंगुलर फॉर्म, दूसरा पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और तीसरा पढ़ा था पोलार फॉर्म। तो उसमें से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था, अगर उस फॉर्म पे आप चलें तो आप क्वांटिटीज को पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसे ही जब सर्किट में रेजिस्टिव कंपोनेंट भी होता है, जब रेजिस्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट दोनों होता है, तो पावर को आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के हिसाब से दो अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बाइफरकेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, इसके अकॉर्डिंग ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है यहाँ पर, इसमें जो बेस हो जाता है, यहाँ पर होने वाली पावर को हम लिखते हैं एक्टिव पावर। आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। परपेंडिकुलर सेक्शन जिस पावर को रिप्रेजेंट करता है ये कहलाता है रिएक्टिव पावर, ये कहलाता है रिएक्टिव पावर, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज अपरेंट पावर। तो एक्सप्रेशन क्या बनता है पावर का, क्या अंतर है इन तीनों पावर में, और किसी एक का कम होना या ज्यादा होना क्या दिखाएगा सर्किट के भीतर। और आज वही वाला क्वेश्चन कि वो बिजली बिल वाला क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है घर का बनता है वो कैसे बनता है ना प्रमोद, सेमेस्टर एग्जाम के लिए बिल्कुल श्योर डियर। एस रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सही श्रेया, बिल्कुल सही है, राइट है। रोहित हेलो डियर, मालती वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिए, तो रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, पावर का बेसिक एक्सप्रेशन क्या है? पावर का बेसिक एक्सप्रेशन है VRMS IRMS का, ठीक है। क्या तीनों जगह पे यही है? हाँ, तीनों जगह पे यही है पावर का एक्सप्रेशन। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। यहाँ का भी एक्सप्रेशन देखो क्या है, VRMS into IRMS। इधर का भी एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूँ आपको, VRMS into IRMS। और इसका भी एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पर मैं लिखूंगा एपरेंट के नाम से, That will also be VRMS into IRMS। तो फिर तीन अलग अलग फॉर्म की पावर क्यों है? क्योंकि भाई पावर को मैंने बताया ना कि दो कंपोनेंट में ब्रेक किया है,
तो एक पैरेलल कंपोनेंट है और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने की वजह से इसे मैं कैसा लिखूंगा पता है? देखिए, पैरेलल कंपोनेंट होने की वजह से इसे मैं लिखूंगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ फाई, इसको मैं कॉस फाई लिख दूंगा। यहां पे क्या है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसको क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ध्यान से सोचिएगा, दिस विल बी साइन ऑफ फाई, ये साइन फाई हो गया। और इन दोनों का रिजल्टेंट जब मैं करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होने की वजह से दैट विल बिकम वन, और यहां इसके आगे कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। तो तीनों ही पावर का एक्सप्रेशन इस अकॉर्डिंग बनता है, एक्टिव पावर जिसको हम कैपिटल पी से शो करते हैं, रिएक्टिव पावर विच इज शोन विद कैपिटल क्यू, एंड एपरेंट पावर विच इज शोन विद कैपिटल एस। तो इस तरीके से ये तीनों के फॉर्मूले जो हैं ऐसे बनते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। अब न्यूमेरिकल में कौन सा यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, और इन तीनों का मकसद क्या है। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये था ना, गुरुजी ने लिखा है कि सर ट्रांसफार्मर कब पढ़ेंगे, इसके बाद थ्री फेज पढ़ाऊंगा, थ्री फेज के बाद मैग्नेटिक कराऊंगा, मैग्नेटिक के बाद ट्रांसफार्मर पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब मैं कराऊंगा तो सिंगल फेज थ्री फेज दोनों पे लेके जाऊंगा, तो जब थ्री फेज पे लेके जाऊंगा तो फिर थ्री फेज की कमी याद आएगी कि अरे थ्री फेज नहीं पढ़े, इसलिए बस ये दो चीज़ें मैं करा के फिर सीधे ट्रांसफार्मर पे लेके जाऊंगा आप लोगों को। यस, तो उत्कर्ष ने लिखा कि वी आई साइन फाई वी आई कॉस फाई, उत्कर्ष उल्टा लिख दिए क्या, पी इज इक्वल टू वी आई साइन फाई लिख दिए, और जब टोटल पावर पूछेगा तब ये यूज होगा। हाँ, ये तो ठीक है, बट एक बार पी और क्यू का डेटा चेक करिए, थोड़ा सा आपने इंटरचेंज कर दिया दोनों को, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी पावर है हमारे पास, जल्दी फटाफट से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पावर बोलते हैं, इफेक्टिव पावर, और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रू पावर, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल पावर, है ना। साउथ इंडियन मूवी से निकाल के दो तीन नाम और मत जोड़ देना, असली शेर, असली योद्धा, ऐसा टाइप का नाम मत लिख देना, बट ये दो चार नाम जो है इसके होते हैं, इसका कुछ रीजन है, इसका कुछ रीजन है, इसका रीजन ये है पर्टिकुलरली कि जो इफेक्टिव पावर या ट्रू पावर या रियल पावर हम बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसका एक लॉजिक है जिसकी वजह से ऐसा बोलते हैं, मैं बताता हूँ जस्ट अवे। तो एक्टिव पावर, इफेक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, ये बोलते हैं ये पावर जो है दैट इज डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टिव पार्ट, रेजिस्टिव पार्ट की वजह से होने वाला पावर, और यही वो नेट पावर होता है जिसकी वजह से आपका सर्किट वर्क परफॉर्म करता है। तो एनी काइंड ऑफ वर्क डन बाय द सर्किट इज प्योरली परफॉर्म्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिव पावर। सर्किट कुछ भी वर्क अगर कर पा रहा है, रिटर्न ऑफ द रियल पावर सबसे बड़े उत्कर्ष ने बताया हुआ है ना। ये लिखते लिखते मुझे भी दो तीन नाम याद आने लग गए थे, इसलिए मैंने बोला कि मूवी का नाम मत डाल देना दो तीन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही, तो ऐसे रिबेल पावर ऐसा टाइप का हो जाएगा दो तीन, है ना। सो दिस इज गिवन एज, इसका एक्सप्रेशन बनता है पी इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, कोसाइन ऑफ फाई, इसको बोलते हैं वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ पावर। देखिए यूनिवर्सिटी वाले को कंफ्यूज करने का मन करेगा तो वो कुछ भी नाम से लिख के देगा आपको, तो ये भी हर नाम मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाहर का कोई नाम नहीं लिखेगा। आप किसी भी किताब से पढ़िए, आप अशफाक हुसैन की किताब से पढ़ लीजिए, सहदेव चतुर्वेदी की किताब से पढ़िए, आप नागरथ कोठारी की किताब से पढ़िए, आप हिगन बॉथम की बुक से पढ़िए, आप जैन एन जैन से पढ़िए, बी एल थरेजा से पढ़िए, किसी भी किताब से, हर बुक का टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पर आपको लिखवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप डाइवर्सिफाइड फॉर्म में जिस किताब से, आप दो तीन बुक को मर्ज करके पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, हर बुक में लिखा हुआ टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपका नोट्स ना पूरा सब जगह यूजफुल रहेगा। तो इट इज़ नोन एज वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ पावर, इट इज नोन एज द वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ पावर, पावर का वॉटफुल कंपोनेंट, ओवरऑल जो पावर होती है सर्किट की उसका वॉटफुल कंपोनेंट, वॉटफुल कंपोनेंट, और दूसरा होता है वॉटलेस कंपोनेंट, जेबी गुप्ता रहेगा। चलो ये आपने पूरा कर दिया, जेबी गुप्ता बोल के, है ना, ठीक है, जेबी गुप्ता भीमरा की किताब अभी रह गई, ठीक है ठीक है। अरे उन्होंने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है यार, बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है, मज़ेदार है, मतलब उससे पढ़ना और इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए, तो अब ये वॉटफुल कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, तो भाई ये जो पावर है इतना, इसके इसके तारीफों में इतना हम लोग जो, हम लोगों ने जो इतना सारा कुछ वर्ड लिखा है, ट्रू पावर, रियल पावर, असली योद्धा, सब यही है, तो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, अगर किसी भी टाइप का वर्क डन हो रहा है आपकी सर्किट में, तो उसका कारण केवल यही है, ये एक्टिव पावर ही उसका रीजन है, उसी की वजह से सारा का सारा वर्क डन जो है वो होता है। फिर दूसरा पावर कौन सा है,
सेकंड वाला जो पावर है ये कौन सा पावर है, इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए लिखते हैं इसको भी। सेकंड वन इज द रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। बहुत ही खराब, कोई वर्क डन में इसका कोई हाथ नहीं रहता है। इसको रिएक्टिव पावर के अलावा और ज्यादा इसकी तारीफें नहीं करते हैं हम लोग, इसको और बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पावर बोलते हैं। बस ठीक है, इसको इमेजिनरी पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ पावर, ऐसे नाम से जाना जाता है इसको। इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट जो है उसमें होने वाला जो पावर है, उसकी वजह से जो होने वाला पावर है, उस पावर को हम इमेजिनरी पावर या ऐसे पावर के नाम से लिखते हैं, है ना। जितेन के पास जेबी गुप्ता की किताब है, अरे बहुत ही बढ़िया किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर लो, या आप सेमेस्टर्स के लिए फुल लेंथ आपको पढ़ना हो, और चाहे मशीन वगैरह क्यों ना पढ़ना हो, बाकी चीज़ें भी बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है बुक में। हाँ जी, तो बात कर रहे थे हम लोग अबाउट रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्यों से डिनोट होता है, इट इज गिवन एज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक। लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने की वजह से इसके साथ जुड़ता है साइन का टर्म, साइन फाई जुड़ गया। यूनिट क्या हो गई इसकी, इट्स यूनिट इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। पिछले वाले की मैंने यूनिट शायद नहीं लिखाई होगी आप लोग को, तो इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। वॉट फुल कंपोनेंट मैंने केवल लिख दिया, इसकी यूनिट वॉट्स में बताते हैं हम लोग, इसकी यूनिट वॉट्स में बताते हैं हम लोग, ठीक है। वापस इधर आते हैं, तो जो रिएक्टिव कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे थे, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर जो है, इसको वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जस्ट बीइंग अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्यों परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि रिएक्टेंस की प्रेजेंस की वजह से 90 डिग्री का फेस शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम इट्स पैरेलल कंपोनेंट, 90 डिग्री फेस शिफ्टेड रहना उसका तय आइडियल कंडीशन में, ठीक है। और 90 डिग्री की फेस शिफ्ट इसको बना देगी इसका रिएक्टिव कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉमन है, साइन और कॉस क्यों लग रहा है, इसका रीजन मैं बता रहा था आपको कि क्यों लग रहा है ना। चलिए ठीक है, और उत्कर्ष के पास क्या है भाई, वन एंड ओनली क्वांटम सीरीज है। अरे बाप रे आदित्य, हेलो डियर। अरे बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में। अच्छा हाँ, ट्रांसफॉर्मर को केवीए में क्यों लिखते हैं, अभी जस्ट मैंने देखा। ठीक है उत्कर्ष नहीं सॉरी आदित्य, यस डियर। तो ट्रांसफॉर्मर को केवीए में क्यों करते हैं सर, अभी पढ़ते हैं, शायद क्लियर हो जाए। एक पावर और बताने दो, आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा। चंद्रशेखर थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच ब्रदर। चलिए, सो रिएक्टिव पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाई, ठीक है। रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर, इसको और क्या बोलते हैं, इसको वॉटलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ पावर, है ना, पावर का वॉटलेस कंपोनेंट कहलाता है। यूनिट इसकी क्या होगी, देख रहे हैं आप, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी शॉर्ट में अगर आप इसको लिखोगे तो इट इज वी ए आर। अब वीकेंड में पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा ये, है हफ्ते के अंत में पढ़ रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, वीकेंड का। चलो ठीक है, अब वापस, है ना, अब वापस थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा जो होता है दैट इज अपेरेंट पावर, थर्ड वन इज अपेरेंट पावर। ये क्या होता है, ये इन सब का रिजल्टेंट, सब कुछ मिला के जितने भी टाइप का पावर आपने एक्सप्रेस कर दिया, एंड रिजल्ट यही है, टोटल पावर यही है, चाहे जो भी है। वी आर उमेश, अरे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास नोट्स है ना, फुल सॉलिड नोट्स आपने बनाया ना, वो आपने इतने एक्सपीरियंस का, इतने अच्छे से जो आपने पढ़ा है, इतने समय जो आप प्रॉपर डेडिकेट किए चीज़ों को पढ़ने में, उसका निचोड़ है, तो वो किसी भी बुक से बहुत आगे है वो चीज़, है ना। आदित्य ने लिखा अपेरेंट पावर, ठीक है, शेयर ने लिखा वी आर, सगुन ने लिखा वी आर, बिल्कुल सही। तो अपेरेंट पावर ये क्या होता है, ये रिजल्टेंट पावर होता है। इसको क्या क्या नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं टोटल पावर, इसको बोलते हैं टोटल पावर ऑफ द सर्किट, या फिर इसको बोलते हैं नेट पावर भी बोलते हैं, है ना, इसको ओवरऑल पावर भी बोलते हैं, है ना। बस इससे ज्यादा तारीफें नहीं की जाएंगी मुझसे। तो अपेरेंट पावर, इसको टोटल पावर, नेट पावर, ओवरऑल पावर, इनमें से किसी भी फॉर्म में आप बता सकते हो। ये सर्किट की टोटल पावर कंपोनेंट होती है, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड विथ कैपिटल एस, एंड अगेन इट इज गिवन एज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसका एक्सप्रेशन सेम रहता है। आगे चल के आप थ्री फेज एसी भी पढ़ेंगे, तो थ्री फेज एसी में जब पावर पढ़ेंगे तो यही सब पावर पढ़ेंगे, बस वहां पे क्वांटिटी इसको लाइन और फेज के फॉर्म में डाइवर्सिफाइड कर दिया जाएगा, तो अब
एक्सप्रेशन यही रहेगा, किसी में थ्री टाइम्स हो जाएगा फेज के फॉर्म में, और लाइन के फॉर्म में पढ़ोगे तो रोड थ्री टाइम्स होगा। कैसे होगा वहां पे देखेंगे, अभी उसका टेंशन नहीं लेते हैं, फिलहाल बस इतना ही देखते हैं। ठीक है, हाँ उत्कर्ष ने लिखा कि इसका केवल VA हो, सम ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, बिल्कुल सही। अभिषेक ने लिखा बार वीकेंड, अरे नहीं नहीं मैं वीकेंड के वार की बात कर रहा था, आप गलत डायरेक्शन में लेके चले गए। हाँ चलिए, एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और इसकी यूनिट क्या बनती है? तो आदित्य ने जो क्वेश्चन पूछा था, देखो आदित्य के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, इसकी यूनिट क्या बनती है? वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर यानी कि VA। तो आदित्य ने जो क्वेश्चन पूछा कि सर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों बताते हैं, तो केवीए में तो के तो चलो छोड़ दो, किलो के लिए यूज हो रहा है, बेसिकली किस फॉर्म में बता रहे हैं हम लोग? एपरेंट पावर के फॉर्म में बता रहे हैं। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि रजिस्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट दोनों अवेलेबल है, रजिस्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट दोनों की दोनों चीजें अवेलेबल है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑफ दोज थिंग्स क्या होगा ट्रांसफार्मर के लिए, जब नेट पावर आप बताओगे तो वो हमेशा एपरेंट के फॉर्म में बताओगे कि भाई रिएक्टिव पावर फ्लो कितना है, एक्टिव पावर फ्लो कितना है, दोनों ही चीजें। एक चीज इस बीच में, एक और चीज ध्यान देने का है, यूनिट इज केवीए, बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सगुन ने लिखा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस टोटल पावर है ना, मालती ने लिखा बिल्कुल सही है, हाँ केवीए यूनिट इज राइट। आशुतोष थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच यार, एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट एम्पियर वीए। ठीक है ठीक है ठीक है, वी डब्ल्यू का प्रॉपर नोट्स बनाए हो, अरे बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। ठीक है, तो एपरेंट पावर हो गया, तो हमको समझ में एपरेंट पावर रिजल्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो देख लिए थे हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट, तो उससे क्या हो जाएगा, वो वन बनेगा और इस वजह से वी आर एम एस आई आर एम एस बचेगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एस टोटल यानी कि एपरेंट पावर जो होती है, तो एपरेंट पावर एस कैन बी गिवन एज द फंक्शन ऑफ पी प्लस माइनस जे क्यू। अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में पावर का एक्सप्रेशन बताऊं तो ऐसा बता सकता हूं क्या, रेक्टेंगुलर फॉर्म में पावर का एक्सप्रेशन बताऊं? अच्छा एक चीज मुझे चेक करके बताइएगा, इसमें माइनस साइन जस्टिफाइड है कि रॉन्ग है? ये जो मैंने प्लस माइनस लगाया है, इस दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, एस इज इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू या एस इज इक्वल्स टू पी प्लस माइनस जे क्यू, विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकेंड वन, विच वन इज करेक्ट? अरे यार उत्कर्ष, तो पढ़ने के समय मेरे साथ भी यही था, मुझे भी पढ़ने में बहुत टाइम लगता था, और मैं बता दूं कि मुझे पढ़ने में वाकई में एक आम स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा समय लगता था, मतलब एक टाइम पे मुझे यकीन हो गया था कि मतलब मेरे बस का नहीं है लगता है, क्योंकि एक बच्चा उस चीज़ को एक दो घंटे तीन घंटे में पढ़ के ख़त्म कर दे रहा है, और मैं उसको सात घंटे आठ घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर उसी को लिख रहा हूँ, मतलब भरोसा उठ जाता था अपने ऊपर से, ऐसा लगता था कि सच में मैं पढ़ ही रहा हूँ ना, मतलब। ठीक है फर्स्ट वन इज राइट, वन शॉर्ट रिविजन फॉर ऑल पावर है ना आदित्य, हाँ यस ठीक है ठीक है ठीक है। तो कौन सा वाला राइट है? फर्स्ट वाला, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो राइट है, प्लस माइनस बोथ फॉर द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट। अब दिक्कत ये है यहाँ पे, अब ये पूरा का पूरा जो पावर फ्लो है, ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट पावर फ्लो है वीए के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 300 वीए है इसका एक्सप्रेशन, तो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं ना, इसमें पी भी है, इसमें क्यू भी है, दोनों का एक्सप्रेशन है, एक्टिव पावर फ्लो भी है, रिएक्टिव पावर फ्लो भी है, लेकिन दिक्कत क्या है मैं बता दूं इसमें, अब इसमें एक्टिव पावर फ्लो भी होगा और इसमें रिएक्टिव पावर भी होगा, एक्टिव पावर की कुछ वैल्यू अगर ज़्यादा है, रिएक्टिव पावर की वैल्यू लो है, तो भी इनका नेट रिजल्टेंट 300 है। मान लीजिए किसी कंडीशन पे ये एक्टिव पावर फ्लो जो है वो घट गया, ये रिड्यूस हो गया, तो उस कंडीशन में सर्किट में रिएक्टिव पावर फ्लो बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के एंड रिजल्ट नहीं बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। पावर की जो कंडीशन होती है दैट ऑलवेज रिमेन सेम। सर्किट में क्या होता है, हमेशा जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक्टिव पावर फ्लो यानी रजिस्टिव पार्ट की बात हो रही है, रिएक्टिव पावर फ्लो यानी कि एक्सएल या एक्सी की बात हो रही है, या बोथ कंबाइन भी हो सकते हैं सर्किट में, तो अगर सपोज कर लीजिए सर्किट में ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि एक्सएल एक्सी का कंपोनेंट ज्यादा बड़ा हो गया एज कंपेयर टू आर, तो रिएक्टिव पावर फ्लो सर्किट में बढ़ती चली जाएगी, रिएक्टिव पावर फ्लो बढ़ेगी तो एक्टिव पावर रिड्यूस होने लग जाएगी, क्योंकि पावर का कोटा तो उतना ही है, वो 300 जो है यही आउटपुट है मान लीजिए, तो टोटल तो यही रहेगी। इसे बैलेंस करने के लिए अगर एक्टिव पावर कम हुआ तो रिएक्टिव पावर इंक्रीज हो जाता है,
अगर रिएक्टिव पावर कम हुआ तो एक्टिव पावर इंक्रीज हो जाता है, तो ये दोनों ही पावर मिल करके इसको बैलेंस आउट करते हैं, बट एंड रिजल्ट हमेशा आपका सेम बना रहता है किसी भी सर्किट के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होता है ना। लैगिंग और लीडिंग का कंसेप्ट है, अभिषेक ने लिखा हुआ है, बढ़िया, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स और एपरेंट पावर सेम होता है क्या, इकबाल ने पूछा हुआ है। चलिए इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। श्रेया के साथ भी ऐसा होता था? अरे तो होता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई बताने वाला ना हो ना, तो बड़ा टेंशन हो जाता है कि यार मतलब हम ही सबसे देर में समझ रहे हैं क्या, ऐसा लगता है। बट फिर लॉन्ग टर्म में समझ में आता है कि नहीं ये अच्छा है, इट इज़ नॉट बैड, ये ठीक है। देर में समझना इज मच मच बेटर देन उल्टा सीधा समझना। गलत सलत समझ के याद रख लेना और पेपर निकाल लेना इज नॉट गुड, आगे चल के वो फंसा देता है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, हाँ जी। तो कॉम्प्लेक्स और एपरेंट पावर वाला पार्ट जो है वो, कॉम्प्लेक्स और एपरेंट पावर वाला जो पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं साथ साथ। और इसके अलावा मैं ये एस जो है एपरेंट पावर, इसके बारे में बात करता हूँ। इसको समझने का एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं हम लोग, जो मैं नॉर्मली अपनी लगभग सभी क्लास में ये तरीका यूज़ करता हूँ। कौन सा सीज़न चल रहा है अभी? ठंडी का सीज़न चल रहा है ना, हाँ जी। कि सीज़न के हिसाब से बस एग्जाम्पल मेरा बदलता है, बाकी पूरा एग्जाम्पल सेम रखता हूँ मैं हमेशा, बाकी पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है वो ऑलमोस्ट सेम रखता हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ठंडी का सीज़न चल रहा है और इट इज़ टाइम फॉर अ बढ़िया वाली कॉफ़ी का ब्रेक, ठीक है। एक बढ़िया सी कॉफ़ी जो है ये लेने का समय है, नहीं ब्रेक नहीं है, कहीं किसी को नहीं जाना है, खबरदार जो कोई गया सेशन से बाहर, ठीक है। चलिए, ठंड का सीज़न चल रहा है तो एग्जाम्पल कॉफ़ी का है, ठंड गर्मी का सीज़न चल रहा होता तो गन्ने के जूस का एग्जाम्पल रहता, या कोई कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड शेक का एग्जाम्पल रहता, ठीक है। तो ठंड का सीज़न है, कॉफ़ी रख लें, रख लेते हैं। फ्लिप गेमर हेलो डियर, ठीक है, आपके फ्रेंड को भी हेलो, आप सभी बच्चों को वंस अगेन हेलो एंड मस्त तरीके से पढ़ाई करिए आप लोग। जहाँ भी कहीं पे भी कोई डाउट लगे मुझसे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो चाय या कॉफ़ी होगा इस बार, पक्का पक्का। उत्कर्ष का चाय पीने का मन कर गया, चलो चाय से ही शुरुआत करते हैं। कॉफ़ी पी लें क्या, थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं ना आज, इसलिए क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में कॉफ़ी ज़्यादा फिट बैठेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉफ़ी पी लो, ठीक है। असली तो दिल में तो हम सबके चाय बसता है। खैर, तो अब देखते हैं, कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब दो मिनट के लिए भूल जाइए, अब एसी वैसी पढ़ने आए यहाँ पे, दो मिनट के लिए दिमाग से हटाइए, एग्जाम का टेंशन प्रेशर सब दो मिनट के लिए अपने साइड पर रखिए और मेरे साथ बात करिए बस। हम साथ में चलते हैं चाय कॉफ़ी पीने, हम सब, ठीक है, एक दिन आएगा ऐसा। तो चलिए ठीक है, तो हम सब जा रहे हैं चाय कॉफ़ी पीने और आप पहुंच गए बढ़िया वाले अच्छे मस्त महंगे वाले होटल पे, एकदम महंगे वाले होटल में ना, एकदम अपने शहर का जो सबसे एकदम सबसे टॉप बेस्ट वाला जो रेस्टोरेंट होगा, टॉप बेस्ट वाला जो कॉफ़ी जॉइंट होगा, वहाँ पर पहुँचते हैं। कहीं सीसीडी है, कहीं स्टारबक्स है, ऐसा टाइप का कोई ब्रांडेड वाला महंगा महंगा वाला, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर पहुँच गए, आप पहुँच गए भाई साहब 500 रुपये की कॉफ़ी पीने। लिखने में ही टेंशन हो रहा है, ठीक है। 500 रुपये की कॉफ़ी जो है ये पहुँच गए। बनारसियों की पहली पसंद चाय होती है, उत्कर्ष ने लिखा है। अरे बढ़िया, तब तो नाइस है। MBA चाय वाले के पास, अरे यार आदित्य दुखी कर दिए, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, चलो ठीक, और महंगा चाय पीते हैं यार, और महंगा चाय पियो, वो तो फिर भी अच्छा कम रेट में ही दे रहा है ना चाय। हम लोग पहुंच गए 500 रुपये वाली चाय पीने में, ठीक है, 5 स्टार में, हाँ चलो ये चल जाएगा। विष्णु ने बहुत अच्छा लिखा, जानबूझ के महंगा पीना है, इतने ठंड में चाय या कॉफ़ी दोनों चलेगा, चलो ठीक है। तो अभी आज के लिए कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लो, इलेक्ट्रिकल के खातिर है ना, हम साइंस की तरफ से हैं वाला सीन है, तो आज इलेक्ट्रिकल के खातिर आज कॉफ़ी पी लेते हैं। तो आप पहुंच गए 500 रुपये वाली कॉफ़ी पीने, आपको पता है ना कि 500 रुपये वाली कॉफ़ी जो रहती है उसमें बहुत खूबसूरत सा फ्रॉथ बना रहता है और ऊपर दिल बना रहता है, या पत्ती बना के दे देते हैं वो लोग, है ना। आजकल तो क्या हो जाता है कि आजकल बोलने पर वो लोग नाम वाम भी लिख करके दे देते हैं, तो और अच्छा है। किसी को साथ लेके जा रहे हो तो नाम वाम भी साथ में लिखवा के आप फोटो खींच के इंस्टा पे अपलोड कर लेते हो, ठीक है भाई। तो ये लेके चले गए ऐसे, एक कॉफ़ी भरा हुआ इसके अंदर इतना, और इस कॉफ़ी के ऊपर क्या रहता है, यहाँ से मस्त तरीके से ऐसे फ्रॉथ जमा होता है इसके ऊपर, एकदम जो फ्रॉथ वाला जो पार्ट है ये भरपूर बना रहता है इसमें, बाहर से दिखता रहता है। ग्लास के अंदर भी अलग अलग कलाकारी कर देते हैं लोग, फूल पत्ती ऐसे चॉकलेट से ऐसे बना बना के दे दिए होते हैं। बिल रंजन सर पे करेंगे, अरे पक्का पक्का, सबसे पहले मेरी कॉफ़ी ख़त्म होगी और मैं वहाँ से मिस्टर इंडिया बन जाऊँगा उसके बाद। ठीक है पक्का मैं पे करूंगा, पक्का श्योर। आप लोग जिस दिन मिलने आओगे पक्का पार्टी मेरी तरफ से है, ठीक है। जल्दी सेलेक्ट हो, जल्दी मेरे से मिलने आओ, मैं तो चाहता हूँ यार, आई जस्ट वॉन्ट दिस, ठीक है।
अरे नहीं नहीं अभिषेक रिलैक्स है यार, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़ रहे हैं ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, दिस इज़ गुड, फिर जिसको अच्छा लगेगा, जिसको मन करेगा वो खुद से पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं, तो फिर घर बिक जाएगा। उत्कर्ष ने लिखा हुआ है, अरे बनाते हैं ना, चलो 500 रुपये की कॉफ़ी क्लास में तो पी सकते हैं यार कम से कम। चलो ठीक है, तो इसमें क्या है, एकदम खूबसूरत सा फ्रॉथ वॉथ सब पूरा जमा हुआ है, बढ़िया से एकदम अच्छे से पूरा फ्रॉथ लगा हुआ है, ये बाहर ऐसे ऐसे फूल पत्तियाँ ऐसे ये लोग चॉकलेट वॉकलेट में खूबसूरत बना बना के देते हैं, ठीक है, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है। और लास्ट में क्या है, इसके ऊपर ना, अब कलर में कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्या होगा, ये लोग ऐसे बढ़िया से ऐसे दिल विल बना के देंगे, ठीक है, ऐसे दिल और ऐसे फूल पत्ती सब इसमें बना के देते हैं। कितने की है ये, 500 रुपये की कॉफ़ी, 500 की कॉफ़ी आप पीने आ गए हैं, ठीक, 500 की कॉफ़ी जो है ये हम लोग पीने आ रहे हैं, ठीक, यहाँ तक सब सेट। ये 500 की कॉफ़ी जो है ये हमारा टोटल नेट कंटेंट जिसका आप पैसा दे रहे हो इसका है। आप बोलोगे सर वो एम्बियंस का भी पैसे, भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, भूल जाओ उसको, आप जोमेटो पे और उस पर स्विगी पे पैक करा के भी मंगवाओगे तो 500 ही 100 रुपये लेगा आपसे, थोड़ा बहुत ऑफ दे देगा, ठीक है, तो चलो मान लो 500 दे रहे हो आप सब कुछ मिला के, ठीक है, ये आपका नेट कंटेंट है, नेट कॉफ़ी है, टोटल इतना कॉफ़ी है, आप इतना मिला आपको 500 रुपये में, ये सब कुछ है, फूल पत्ती दिल किडनी सब है, जो भी है इसमें सब इसी में। अब इसके बाद क्या होगा, देखो निपुण जो है वो गलत एग्जाम्पल पे चले गए, वापस से आओ कॉफ़ी के एग्जाम्पल पे आओ, ठीक है, वापस कॉफ़ी के एग्जाम्पल से समझो। अब देखो नेट कॉफ़ी जो है वो इतनी है, आप 500 रुपये का आपका कंटेंट ये है, ठीक, इसमें मुझे बताओ आप एक्चुअल में कंज्यूम क्या कर रहे हो, आप पी क्या कंटेंट रहे हो, कितना पार्ट कंज्यूम करने वाला पार्ट है आपका, ये पोर्शन है, दिस मच पोर्शन इज वॉट यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग, एक्चुअल में जो स्वाद आ रहा है, अगर कोई बंदा सच में कॉफ़ी पीने गया है ना, अगर कोई ऐसे फोटो खींच के सेल्फी लेके और इंस्टा पे डालने के अलावा उसका सच में दिल कर रहा है कि नहीं मैं एक बड़े जॉइंट पे, मेरा सपना था कि मैं बड़े जॉइंट पे कॉफ़ी पीऊँ जब मेरी जॉब लग जाए, तो अब जॉब लग गई आज मैं कॉफ़ी पीने आऊँ, आज कॉफ़ी का मज़ा लेंगे कर, उसको किसी से मतलब नहीं है, दुनियादारी से बगल में कौन बैठा उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वो उस कॉफ़ी का स्वाद लेगा ना, उसको कॉफ़ी कितना मिलेगा, इतना, ये एक्चुअल कॉफ़ी, असली जो कॉफ़ी जो कंटेंट उसके अंदर गया जो कंज्यूम किया उसने वो तो यही है, वो तो यही है ना, ठीक है। और ये ऊपर का जो फ्रॉथ है क्या ये भी कंज्यूम कर लेगा क्या, कुछ कोई मतलब कहीं नहीं, हवा है वो तो, मतलब वो तो कुछ भी काम करनी है उसके, ये वाला जो कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक का ये फ्रॉथ वाला कंटेंट ये किस काम आएगा, तो वेस्ट हो जाना है, आखिरी में आप पियोगे तो ग्लास के आखिरी में छूट जाएगा, शुरुआत में थोड़ा सा मूछों पर लग जाएगा अगर मूछे रखते हो तो, है ना, और नहीं तो ऐसे मुंह के ऊपर बिल्ली के जैसा बन जाएगा कंडीशन। और बचा हुआ जो कंटेंट है वो फोटो खींचने का काम आता है और इसके अलावा कभी नहीं कंटेंट, ये इतना पोर्शन तो कभी काम नहीं आएगा आपके, है ना, ये व्हाइट कलर का जो फ्रॉथ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी कंटेंट हो गया, इमेजिनरी कंटेंट, ठीक है, रियलिटी समझ रहे हैं हम लोग क्योंकि हम सब इंजीनियर हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि भाई कितना मिला इसमें से, कंज्यूम कितना किया, इतना ही कंज्यूम किया, इतना ही कंज्यूम किया, चलिए ठीक है, तो यहां तक समझ में आया ना, ठीक है गुरुजी, ठीक है। राणा अशोक कुमार जी, मैं बिलोंग करता हूँ, मैं अभी रायपुर से क्लास ले रहा हूँ, रायपुर शहर से ये क्लास जो है ये चल रही है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया, इमेजिनरी कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट और टोटल कंटेंट, आपने पैसे दिए इसका कंज्यूम आप इतना ही कर रहे हैं और ये आपका इमेजिनरी कंटेंट, ठीक। अब सेम चीज़ दोबारा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में, अब स्टोरी यहाँ से बदलेगी, कैसे, आप 10 दिन के बाद, आपको पहले दिन बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिला, 10 दिन के बाद आपने मन बनाया कि चलो एक काम करते हैं, 2-3 और दोस्तों को लेके जाएंगे, पार्टी देंगे और रोल मारेंगे कि देखो मैं इतनी महंगी कॉफ़ी पीता हूँ, ये आपका नेट कंटेंट आपको याद है जो 500 रुपये में आपको मिलता है, ठीक है। इस बार आप चले गए फिर से कॉफ़ी पीने, इस बार थोड़ा सा खेला हो गया, क्या खेला हो गया भाई, चलो देखते हैं। अब क्या हुआ कि कोविड वगैरह के बाद से महंगाई बढ़ गई दुनिया में, है ना, आप महीने दो महीने 3 महीने के बाद मान लो आ रहे हैं, अब क्या हुआ, आप जब कॉफ़ी पीने पहुंचे, रेट उसने नहीं बदला, रेट तो 500 ही रखा है अभी भी, रेट उसने 500 रखा है, बट एक गड़बड़ कर दिया उसने, क्या पता है, इस बार इतना फ्रॉथ जमा दिया इसके अंदर उसने क्या किया, बिना किसी को बताया उस कॉफ़ी जॉइंट वाले ने फ्रॉथ का कंटेंट बढ़ा दिया, अब एक्चुअल कंटेंट आपको इतना ही मिलेगा, ये पूरा है फ्रॉथ, कप अभी भी उतनी बड़ी है, सेम कप सेम अमाउंट,
लेकिन कंज्यूमेबल कंटेंट आपका अब रिड्यूस हो गया इसके अंदर, वो कंज्यूम करने वाला जो कंटेंट है वो कम हो गया यहां से, वो रिड्यूस हो गया। है ना चंद्रशेखर? इसका अभी प्लेलिस्ट अलग से नहीं है डियर, आप इसको लाइव क्लासेस में जाके जब सर्च करेंगे ना तो लाइन से सीक्वेंस में सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइन से सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। शादी वाला काफ़ी अच्छा है, वो मशीन से चल के जो आवाज़ निकाल के जो बनता है उसमें जुबान का जलना लगभग तय रहता है, एक ना एक बार तो जीप जलती है, मेरे साथ बड़ा हुआ है, मैं परेशान हो जाता हूँ, दो दिन तक स्वाद ही नहीं आएगा कुछ खाने का। तो अब देखिए ये महंगी वाली कॉफ़ी पीने में पहुँचे, अब दिक्कत ये हो गया इमेजिनरी कंटेंट का पार्ट इस बार ज़्यादा है, आप 500 रुपये दे रहे हैं, फिर से थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ना कि सर 500 रुपये दिए, अब दोस्तों के सामने कुछ बोल तो पाओगे नहीं क्योंकि रोल भी मारना है, दोस्तों के सामने कुछ नहीं बोलोगे, हाँ ऐसे ही मिलता है, इट इज़ नॉर्मल। लेकिन असलियत क्या है? असलियत आपका दिल जो है वो अंदर से रो रहा है कि भाई ये क्या हो गया करके, इतनी सी कॉफ़ी बस, और बाकी पूरा जो है वो फोम पूरा ऐसे ही, मतलब वो फ्रॉथ, पैसे वेस्ट हुए। ठीक है, अब सब्र की इंतहा जो है वो कब होगी? जब आप तीसरी बार विजिट करोगे, अब इस बार बोलोगे अच्छा इस बार ट्राई करता हूँ, शायद पिछली बार उसने गलती से बना दिया होगा ऐसा, तीसरी बार आप फिर से विजिट किए, आप बोले नहीं इस बार सही बनाएगा, और इस बार अलग दोस्तों को लेके गए, बोले पिछली बार वाले दोस्त जो है वो लगता है उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी इस वजह से ख़राब मिला हमको, इस बार फिर से चलते हैं, इस बार शायद अच्छा रहेगा, दोस्त दूसरे दोस्तों के सेट को आप लेके गए और अब तो गजब ही हो गया। वो कॉफ़ी जॉइंट वाला समझ गया कि उसकी ट्रिक जो है काम कर रही है, उसने बोला एक काम करो और फ्रॉथ मिलाओ, कम कर दो कॉफ़ी कंटेंट, 500 रुपये ले लो लोगों से, दुनिया रेट बढ़ा रही है, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, हम कंटेंट कम कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल कॉफी, ये हो गया आपका इमेजिनरी कंटेंट, पैसे आप उतने ही दे रहे हो, सॉरी ज़्यादा हो गया 500 रुपये, और कप आपका उतना ही बड़ा है, तो आपका नेट कंटेंट बदला क्या? टोटल कभी चेंज हुआ क्या? टोटल कहीं नहीं चेंज हुआ ना, आपकी ग्लास उतनी ही बड़ी है। ये देखिए मान लो ये 250 ml की ग्लास है, तो 250 ml आज भी है, 250 ml 2 महीने पहले भी थी, और 250 ml 6 महीने पहले भी वही 250 ml की थी, चेंज क्या हुआ पता है? अंदर का कंटेंट जो है हो गया उसमें गड़बड़। अब ठीक है, अब यहां से क्या होगा ध्यान से देखिएगा। सर उत्कर्ष अपनी फीलिंग बता रहे, ठीक है ठीक है ठीक है उत्कर्ष, बढ़िया। तो अब क्या होगा, देखो दिक्कत क्या हुई पता है? तो आपका नेट कंटेंट बाहर तो वही है, बट अंदर कंज्यूमेबल जो एक्चुअल कंटेंट है ये घट गया। इसके घटने से जब आप तीसरी बार यहाँ पहुँचोगे तो इस बार आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, और आप अब किसी की परवाह करते हो बिना, किसी की परवाह किए बिना आप उठोगे और रेस्टोरेंट वाले को बोलोगे कि क्या मजाक हो रहा है, ये पीऊँ क्या इसमें मैं, इतना ही तो मिल रहा है, इतना ही तो कंटेंट दिया भाई तूने, बाकी ऊपर जो है तो पूरा फ्रॉथ है, तो वेस्ट चला गया। इतनी कॉफ़ी के लिए मैं 500 रुपये दूंगा, चौथी बार आप जाओगे नहीं उस रेस्टोरेंट में, किसी को लेके भी नहीं जाओगे, अब बोलोगे अब बस अब बहुत हो गया। ठीक है, अब बोलेगा बस अब फिनिश, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो अब ये क्या चीज़ है, अब वापस पहले एग्जांपल से चलिए और थोड़ा इसको इलेक्ट्रिकल वे में समझते हैं, अब इलेक्ट्रिकल के वे में समझते हैं, अभी तक तो हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ के हिसाब से समझे। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि जिसको मैं एक्चुअल कंटेंट बोल रहा था, एक्चुअल कॉफ़ी जिसे बोल रहा था मैं, ये आपका एक्टिव पावर है, किसी भी सर्किट में ये एक्टिव पावर का यही रोल होता है। ठीक है, जिसे मैं इतनी देर से इमेजिनरी कंटेंट बोल रहा था ये हमारा रिएक्टिव पावर है, ये हमारा रिएक्टिव पावर है, और जिसको मैं नेट कॉफी बोल रहा था वो आपका नेट पावर है, यानी अपेरेंट पावर। तो अगर इस एग्जांपल को आपने ध्यान से समझा होगा तो अब आप बिना मेरे पूछे ही आप खुद से बता सकते हैं कि सर्किट में कौन सी पावर का ज्यादा होना सही होता है, कौन सी पावर का ज्यादा होना इज अ बेटर कंडीशन आपके अकॉर्डिंग। एक्टिव पावर यानी एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक्टिव पावर ही वो पावर होती है जिसकी वजह से आपका सर्किट वर्क परफॉर्म करता है, चाहे कोई भी टाइप का वर्क हो। जैसे ये मेरे ऊपर यहां लाइटें जल रही है, ये लाइट जो जल रही है ये भी एक टाइप के पावर के कंजम्पशन से। अगर मैं यहां पे ट्यूबलाइट जलाता हूं, ट्यूबलाइट के ऊपर लिखा होता है 20 वॉट, ये 20 वॉट क्यों लिखा है, 20 VAR क्यों नहीं लिखा है वहां पे, सोचा है आप सभी ने, 20 VAR क्यों नहीं लिखा है वहां, 20 वॉट क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वॉटफुल कंपोनेंट बता रहा है कि जितने का वर्क डन मिलेगा आपको वो 20 वॉट है।
आप घर के लिए अगर आप हीटर खरीदते हो, आप उससे क्या पूछते हो कितने वॉट्स का है? आप फ्रिज खरीदोगे पूछोगे कंप्रेसर कितने वॉट का, आप एसी खरीदोगे बोलोगे इसका कंप्रेसर कितने वॉट का। कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन आप खरीदते हो, उसमें आप क्या पूछते हो? उसका एक्टिव पावर कंपोनेंट पूछते हो शॉप वाले से कि भाई कितने वॉट की पावर कंजम्पशन वो करेगा। वो एक्चुअल पावर है, वो रियल पावर की बात होती। कोई भी मशीन कोई भी वर्क डन परफॉर्म करे, सुबह पानी का मोटर आप चालू करते हो वो जो घूमता है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्टिव पावर, वो वर्क डन कर रहा है। हीटर चालू करते हो पानी जो गर्म हो रहा है, रेजिस्टेंस हीटिंग जो हो रही है वहां पे, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द एक्टिव पावर। यहां पर चाहे वो लाइट जल रही है, चाहे हीटिंग हो रहा हो, चाहे रोटेशन हो रहा हो, सब कुछ एक्टिव पावर की वजह से ही होता है। एनी टाइप ऑफ वर्क डन इज प्योरली बिकॉज ऑफ द एक्टिव पावर फ्लो। तो एक्टिव पावर फ्लो ही वो पावर फ्लो है जिसका आपको आउटकम ऐसे समझ में आता है, ऐसे दिखता है, जो आउटकम परफॉर्म होता हुआ जो दिखता है वो इसकी वजह से होता है। अब दूसरा कौन सा है? इमेजिनरी कंटेंट, दैट इज रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर का पार्ट है। अब देखिए रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट जो है वो कितना है, जब तक कम है तब तक ओके है, ठीक है। लेकिन अगले केस में रिएक्टिव पावर ज्यादा हो गई। नेट कंटेंट को बैलेंस करने के लिए, नेट कंटेंट को उतना ही बनाए रखने के लिए एक्टिव पावर घट गई। यहां पे सेकंड केस में आप देखिए एक्टिव पावर रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पावर कंपोनेंट बढ़ रहा है। तो कॉफी इस कप के बाहर तो नहीं दे देगा ना वो शॉप वाला, कप का साइज वो उतना ही रखा है, वो 250 ml ही दे रहा है आपको। बस उसने क्या किया, एक्चुअल कंटेंट को कम करके आपको इमेजिनरी कंटेंट यानी कि फोम वाला पार्ट, फ्रॉथ वाला पार्ट बढ़ा के दे दिया। तो नेट कंटेंट नहीं बदला आपका। आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई 500 में तूने मुझे हाफ कप दिया, वो कप आपको पूरी दे रहा है, ऊपर तक भरा भी है कप, बस एक्चुअल कंटेंट उसने रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होता है। तो आपका नेट पावर उतना ही रहेगा, यानी कि जो अपेरेंट पावर है वो उतनी दिखेगी आपको। अगर एक्टिव पावर फ्लो कम हुआ तो मान के चलिए कि रिएक्टिव पावर फ्लो बढ़ रहा है। रिएक्टिव पावर फ्लो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सर्किट में रिएक्टिव कंपोनेंट हावी हो रहे हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट के ऊपर। एक्सएल और एक्सी में से किसी एक की वैल्यू डोमिनेट करना शुरू कर दी तो रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से होने वाला पावर फ्लो अब घट रहा है वहां पे। ये इसका सबसे बड़ा रीजन है, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। और लास्ट में आखिरी वाला केस देखिए, ये जो कंडीशन आती है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इमेजिनरी पावर कितना ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि ये रिएक्टिव पावर जो है, दिस इज द रिएक्टिव पावर, दिस इज द रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर का फ्लो जब बढ़ेगा सर्किट में, बाहर आज भी आपकी कंटेंट उतनी है, इस 500 रुपये में वही 250 ml का चाय का कप आपको ये दे रहा है, पर शर्त ये है कि अब अंदर इसने एक्चुअल कंटेंट को रिड्यूस करके बहुत कम कर दिया है। तो अगर सपोज कर लीजिए एक्चुअल कंटेंट रिड्यूस हुआ तो आपका इमेजिनरी कंटेंट बढ़ना 100% तय है। ये कब बढ़ेगा? जब आपकी RLC सर्किट है, RLC सर्किट है। अब इसमें से मान लीजिए कोई एक रिएक्टिव कंपोनेंट हावी हो गया, अगर ये XL becomes very much greater than XC, तो R उतना सिग्निफिकेंट कुछ नहीं कर पाएगा, एक्टिव पावर फ्लो कम पड़ जाएगी और रिएक्टिव पावर फ्लो सर्किट में बढ़ती चली जाएगी। धीरे 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 इंक्रीज होते होते सर्किट बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर फ्लो कराने लग जाएगा, और जिससे आपकी ओवरऑल जो नेट वर्क डन है उसके लिए जो एक्चुअल पावर चाहिए वो तो मिलेगी नहीं। अब कोई बच्चा इस चाय के कप से पी के ये उम्मीद करेगा कि मेरी नींद उड़ जाए और मैं रात में पढ़ाई कर पाऊँ, तो वो तब होता जब उसको एक कप पूरा का पूरा टी मिलता, बढ़िया सा, वो शादी वाला टी जो उत्कर्ष ने लिखा था। लेकिन उसने उसको कितना टी मिला, एक्चुअल कंजम्पशन तो उसको इतना ही करने को मिला ना, तो क्या नींद उड़ेगी उसकी? उसकी तो वो बिल देख के नींद उड़ जाएगी, उसकी नींद उड़ेगी लेकिन वो बिल देख के उड़ेगी, कॉफ़ी से तो नहीं उड़ पाएगी कम से कम। ये डिफरेंस रहता है, बट प्राइस सेम रखते हैं। यश है, तो वो लोग क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं कि वो लोग मार्केट की कंपटीशन में रेट का फैक्टर को बीट कर देते हैं। वो बोलते हैं हम रेट नहीं बढ़ाए, देखो दुनिया में सारी चीज़ें बढ़ी, हम रेट नहीं चेंज किए, बट एक्चुअल में कंटेंट में चेंजेस कर देते हैं ये लोग। ठीक है, इस बैच का प्लेलिस्ट बिल्कुल सही चंद्रशेखर, यस डियर, है ना, ये बिल्कुल मैं क्रिएट करवाता हूँ जल्दी। इस केस में एस्प्रेसो अच्छा रहेगा, है ना, उत्कर्ष ने लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस है। तो एक्टिव रिएक्टिव अपेरेंट, ये तीनों पावर का गेम आपको समझ में आया कि तीनों पावर किस तरीके से वर्क करती हैं। तो सर्किट में सबसे ज्यादा डिजायरेबल ये होता है कि एक्टिव पावर कंपोनेंट शुड ऑलवेज बी हाई, दिस इज द मोस्ट डिजायरेबल कंडीशन। सबसे ज्यादा जो डिजायरेबल कंडीशन है, जो डिजायरेबल कंडीशन है वो क्या है, डिजायरेबल कंडीशन ये होती है कि एक्टिव पावर शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन रिएक्टिव पावर। तो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके माइंड में एक सवाल और आएगा। क्या सवाल आएगा? हाँ जी, एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर ऐसा ही है, ऐसा ही है तो रिएक्टिव पावर रखते क्यों हैं हम लोग, खत्म कर देते हैं ना रिएक्टिव पावर को। जैसे अभी हम बोल रहे थे, जैसे यहाँ पे आपने बोला कि सर ऐसे केस में वो अपना रोड के साइड वाली चाय अच्छी रहेगी, है ना, रोड के साइड वाली जो कॉफ़ी रहती है अपनी बढ़िया से, है ना, जो या जो छोटे जॉइंट्स पर जो कॉफ़ी मिलती है ऐसे वाले डिस्पोजेबल कप में, वो अच्छी रहती है, 10 रुपये, 20 रुपये में, 25 रुपये में ऐसे में कॉफ़ी मिल जाती है,
है ना, अलग अलग रेट पे मतलब। तो ये वाली कॉफी ज्यादा अच्छी है, इसमें कोई फ्रॉथ वॉथ का चक्कर नहीं रहता है, सीधे फुल लेंथ ऊपर तक भरा रहेगा, पियो फेंको जाओ, पैसे भी कम है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉफी से अच्छा तो मिल्क पी लो, बॉडी बनाओ, गुरुजी ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। चाय कॉफी जो है वैसे भी अपने इंडिया का कल्चर नहीं है, और वैसे भी उतने की नीड नहीं है ना, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ठंडी भी नहीं पड़ती कि माइनस में टेम्परेचर चला जाए कि हमको वो पी के सस्टेन करने की ज़रूरत पड़े, और नींद भगाने के लिए ये सब की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली एक सही समय पर अगर सोएंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, चाय कॉफ़ी की कोई नीड ही नहीं है। बट ठीक है चलो, अब स्ट्रेस में है, वर्क करे तो एक आदत बन जाती है ग्रेजुअली, है ना। अदरवाइज चाय तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली शुरू करवाया, जानबूझ के शुरू कराया चाय का प्रोडक्शन, बट खैर अभी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, बाद की बात है ये सब। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि चलो ठीक है, तो सर हम एक काम करते हैं, पूरा एक्टिव पावर से ही भर देते हैं, इस कप को पूरा कंटेंट से ही भर देते हैं, तब तो बात सही रहेगी, क्यों रख रहे हैं हम लोग ये रिएक्टिव पावर फ्लो रख ही क्यों रहे हैं, तो फिर ये तो यूजलेस है ना, वर्क डन जब ये कर ही नहीं रहे। तो इकबाल ने लिखा कि वाई कांट मैग्नेटिक कंपोनेंट भी इग्नोर्ड इन अ सर्किट, वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ इट, है ना। हाँ इसी के बारे में बात करता हूँ इकबाल अभी। तो अब ये माइंड में अगला सवाल तुरंत आया ना कि सर हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा उसके कंपैरिजन है। तो दिक्कत ये है, अगर चाय के पर्पज़ से मैं बात करूँ, कॉफ़ी के पर्पज़ से, अगर आप ये पियोगे तो आप इसको कभी इंस्टा पे नहीं अपलोड कर पाओगे, पहली चीज़। तो मतलब कर सकते हो, आपका इंस्टा अकाउंट है, आपके जो मर्जी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आप अपलोड करना नहीं चाहोगे, इसमें कोई थ्रिल नहीं है, इसमें कुछ स्पार्क वाला पार्ट नहीं है, आप इसकी क्या फ़ोटो खींचोगे, आप पियोगे चले जाओगे, आप कंटेंट कंज्यूम किया आप गए, पहला चीज़। और इसको अगर इलेक्ट्रिकल के पर्पज़ से समझाऊँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रिएक्टिव पावर इतना भी खराब नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। देखिए कुछ गुड पार्ट तो इसका भी है, जैसे ये वाली कॉफ़ी का आप फोटो खींच के डालेंगे तो आपके इंस्टा पे बहुत सारी लाइक्स आ जाएंगे, बहुत सारे लोग लिखेंगे, और 10-15 लोग जो हैं वो पूछ लेंगे कि भाई मुझे कब लेके जा रहा है बाहर, है ना। 10-15 लोग तो पूछ लेंगे कि यार एक आध दिन हम लोग भी पार्टी करते हैं ऐसी वाली, लेकिन ये वाली चाय का फोटो खींचेंगे, ये वाली चाय का आप फोटो खींच के अगर इंस्टा वगैरह पे अपलोड कर देंगे, है ना, तो 2-3 लोग बोलेंगे कि मैं तेरे पुराने पैसे देता हूँ, रुक जा, है ना। 2-3 लोग बोलेंगे मैं तेरे पुराने पैसे जो है वो दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा रुक जा, हाँ कुछ दिन में दे रहा हूँ, बस जल्दी दे देता हूँ अब तो ये बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो इसका अलग थ्रिल है, इसका अलग फ़ायदा है, इसका अलग नुकसान है। तो वैसे ही रिएक्टिव पावर जो है इसका भी कुछ अलग बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि एकदम वेस्ट है, रिएक्टिव पावर का भी कुछ बेनिफिट रहता है। क्या बेनिफिट रहता है, छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टर्म इसका मैं लिखवा देता हूँ, रिएक्टिव पावर फ्लो की वजह से होता है ड्यू टू इट्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्किट मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्किट पहला इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बिना मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट हो सकती, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। पावर फैक्टर भी अभिषेक, हाँ पढ़ते हैं ना, पावर फैक्टर भी पढ़ते हैं एकदम जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड इसके बिना आप क्रिएट ही नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला पार्ट है, जैसे मोटर आप यूज़ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड बिना इसके क्रिएट ही नहीं हो सकती, बैक एंड फोर्थ इसका जो मूवमेंट है इसी की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन और स्टेबिलाइजेशन अप टू स्मॉलर एक्सटेंट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन रिएक्टिव पावर फ्लो इन द सर्किट रिएक्टिव पावर फ्लो इन द सर्किट जितना रिएक्टिव पावर फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग उतना वोल्टेज रेगुलाइजेशन मतलब वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज स्टेबिलाइजेशन ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लाइक तो आएगी, पापा को मालूम पड़ा तो क्लास अलग से लग जाएगी, वो एक अलग डर है ना, गुरुजी ने पूरा प्रैक्टिकली सोच भी लिया इतनी दूर तक,
चलो बहुत ही बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सारा चीज़ यही करता है अकेले। तो इसका कंपोनेंट सर्किट में होना ये भी ज़रूरी है, बस एक्सेस में ना हो, एक्सेस में ना हो, अदरवाइज हमारा सर्किट वर्क डन नहीं कर पाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना ही क्रिएट कर ले, अगर वर्क डन नहीं कर पा रहा है तो फिर उस फील्ड का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, बात यह है बस। तो इसी वजह से हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि रिएक्टिव पावर फ्लो भी ज़रूरी है, एक्सेस में ना हो। और रिएक्टिव पावर फ्लो एक्सेस में कब होता है? ये रिएक्टिव पावर फ्लो एक्सेस में किस कंडीशन में चला आता है? तो यहां से अगला टर्म मैं लेके आता हूं आप सभी के लिए, दैट इज पावर फैक्टर। अगले 10 मिनट के भीतर मैं आपको पावर फैक्टर जल्दी जल्दी फटाफट से बता देता हूं, मेन मेन चीजें जितनी आपको जाननी चाहिए इस चैप्टर में। नेक्स्ट टर्म आता है पावर फैक्टर का। अब वो वहां पे जहां पे मैंने ड्रॉप किया था पावर को, वहीं से लेके आऊंगा पावर फैक्टर पे, ध्यान से देखते जाएगा। व्हाट इज पावर फैक्टर? बेसिक सा लिखूं, सो इट इज द फैक्टर अपॉन विच द एक्टिव, इट इज द फैक्टर अपॉन विच द एक्टिव पावर कंपोनेंट ऑफ द सर्किट डिपेंड्स अपॉन। एक्टिव पावर कंपोनेंट मतलब देखिए, हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोसाइन ऑफ फाई। इसमें से ये जो कॉस ऑफ फाई होता है, दिस इज द पावर फैक्टर। देखिए वी आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू लगभग फिक्स हो जाती है, कोसाइन ऑफ फाई में फाई की वैल्यू बदलने से एक्टिव पावर में पूरा गेम चेंज हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ चेंज हो सकता है। मतलब क्या होगा? आर कॉम्प्लेक्स पावर एंड एपरेंट पावर सेम? इकबाल ने लिखा हुआ है, नहीं, बोथ आर डिफरेंट। जो एपरेंट पावर होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्ट एक्टिव पावर, एक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ द पावर्स, ठीक है। तो अब ये कंडीशन क्या है? पावर फैक्टर कोसाइन ऑफ फाई। अब ये पूरा का पूरा खेल है कि सर्किट में रेजिस्टिव लोड और रिएक्टिव कंपोनेंट में से क्या सीन है। तो बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज के केस में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग मोटर्स, मोटर ड्राइव्स, मोटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री में। और अगर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो ये रिएक्टिव लोड में से इंडक्टिव रिएक्टेंस को कंस्टिट्यूट करते हैं। एक टाइप का अगर रिएक्टेंस बढ़ता है, ये हम लोगों ने जब इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ा था वहाँ पे भी देखा था, यहाँ दोबारा से बता देता हूँ मैं, कि दोनों में से अगर कोई एक टाइप का पर्टिकुलर एक टाइप का रिएक्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सर्किट में रिएक्टिव कंपोनेंट का डोमिनेंस उसी एलिमेंट का बढ़ता जाएगा। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप सर्किट में मोटर बहुत सारा लगा रहे हो, खूब सारा मोटर्स लगा रहे हो, खूब सारा ट्रांसफार्मर्स यूज़ कर रहे हो, तो सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस का कंपोनेंस बढ़ रहा है। तो जब जेड की वैल्यू आप देखोगे, जेड विल बी अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखोगे आप इसमें। जब ये चीज़ लिखोगे तो मुझे बताओ कि अगर एक्सएल बढ़ता है, अकेले एक्सएल बढ़ रहा है, आर फिक्स है, एक्सी छोटे वैल्यू का है, एक्सएल अगर बढ़ता जा रहा है तो जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली जेड विल ऑल्सो इंक्रीज, इंपिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। कॉस फाई पावर फैक्टर क्या क्या एक्सप्रेशन बनता है इसका, देखिए पहला एक्सप्रेशन आपको दिखाता हूं, यहीं से रिलेट करूंगा वापस से, ठीक है। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। सप्लाई वोल्टेज और करंट की बात हो रही है, सप्लाई वोल्टेज और करंट की बात हो रही है, मतलब कोसाइन ऑफ फाई, जिसको कि हम कॉस फाई बोलते हैं। तो यहां पे फाई क्या दिखा रहा है? फाई इज द फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन वी एंड आई। फाई जो है ये फेज डिफरेंस एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच का। ये फेज डिफरेंस एंगल को कौन नुकसान पहुंचाता है, कौन अफेक्ट करता है? तो आरएलसी के एनालिसिस में आप पहले ही पढ़ चुके हो कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्टेंस, चाहे वो इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, ठीक है, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। अच्छा मैविश, हेलो डियर, ठीक है। फ्लिप गेमर लेट से ज्वाइन किए थे क्या बीच में?
इस वजह से एक बार इस लेक्चर को शुरू से देखिएगा, इन केस अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कल की क्लास में ज़रूर से बताएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग कल शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे एक बार शुरू में बिगिनिंग में बता दीजिएगा तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा आपको ये, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो कॉस ऑफ फाई पहला एक्सप्रेशन बन गया। इसका और कोई डेफिनेशन, हाँ एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस एंड सर्किट इम्पिडेंस, मतलब कॉस फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। सर ये एक्सप्रेशन कहाँ से है, तो आपको याद होगा इम्पिडेंस ट्रायंगल पढ़े थे हम लोग कुछ दिन पहले, इम्पिडेंस ट्रायंगल से ये वाला एक्सप्रेशन आता है। एक बार इम्पिडेंस ट्रायंगल को रिवाइज करिए, आपकी कॉपी में लिखा होगा ये वाला फॉर्मूला, 100% आप लिख के रखे होंगे, है ना, 100% आप इसको लिख के रखे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद ये अगला फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला आपको बताता हूं, पावर फैक्टर का थर्ड फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड एपरेंट पावर। एक ही चीज को कैलकुलेट करने के देखिए तीन अलग अलग तरीके हैं, एसी सर्किट्स में ये चीज होगा, बहुत जगह पे सेम फॉर्मूले से सेम चीजें निकल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले से चीजें एक ही निकल के आएंगी, तो हर चीज पे आपका कमांड रहेगा एकदम प्रॉपर वे में। तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड एपरेंट पावर, एक्टिव पावर यानी कि पी इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है, और एपरेंट पावर एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये दोनों के टर्म्स यहां से हो जाएंगे कैंसिल आउट और आपके पास बचेगा जो बचा, दैट विल बी योर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी सर्किट का, और पावर फैक्टर के वेरिएशन से ही पता चलता है कि सर्किट में लीडिंग कंपोनेंट है, लैगिंग कंपोनेंट है, या कैसा कंपोनेंट है, सर्किट जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगी। तो उसका पावर फैक्टर ही डिसाइड करता है कि सर्किट में ओवरऑल चीजों की एफिशिएंसी कैसे होगी। उसके पावर फैक्टर से ही पता चलता है कि हमारे पास रिएक्टिव कंपोनेंट ज्यादा हो गया कि रिएक्टिव कंपोनेंट कम हो रहा है सर्किट में, कहां पे हमको पावर फैक्टर को मैनेज करने की जरूरत है, ये सारी चीजें इसी को देख के पता चलता है, इसी के बेसिस पर, ठीक है, सारी चीजें इसी के बेसिस पर हमको पता चलता है। चलिए ठीक, तो अब देखें ये तीनों फॉर्मूला पावर फैक्टर का है, तीनों फॉर्मूला पावर फैक्टर का है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले से आप देखिए वैल्यू ऑफ फाई, या सेकंड फॉर्मूले से देखिए, देखिए मैं ये एक्सप्रेशन बता रहा था आपको, इसमें मैंने बोला मान लो एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाती है, उस केस में जेड बढ़ेगा, अगर जेड बढ़ता है इसको इस फॉर्मूले में पुट करिए और मुझे बताइए पावर फैक्टर बढ़ेगा कि कम होगा। अगर जेड इंक्रीज होता है, इंपीडेंस बढ़ेगा, तो सर्किट की पावर फैक्टर रिड्यूस होगी। ध्यान दीजिएगा एक्टिव पावर फ्लो पी इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है, तो अगर पावर फैक्टर रिड्यूस हो गई तो ये पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम हो गया, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर रिड्यूस हुआ तो आपका ओवरऑल एक्टिव पावर कम होगा। ध्यान से देखते जाइए, अगर एक्टिव पावर कम होगा तो क्यू इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाई, ये कंपोनेंट बढ़ने लगेगा, क्यों, क्योंकि ओवरऑल एस को मैनेज रखना है ना, पी प्लस माइनस जे क्यू का पार्ट है। तो अगर एक्टिव पावर फ्लो कम हुआ तो रिएक्टिव पावर फ्लो अपने आप बढ़ेगा सर्किट के अंदर, जस्ट सो दैट कि एस की वैल्यू मैनेज रहे। तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सर्किट में रिएक्टिव पावर कंपोनेंट बढ़े। ये रीजन समझ में आया कि पावर फैक्टर क्या करता है अकेले, ये रीजन समझ में आया कि पावर फैक्टर अकेले क्या वर्क कर रहा है। पावर फैक्टर जो है वो अकेले क्या वर्क कर रहा है, बहुत बड़ा वर्क कर रहा है। इसकी फाई के चेंज से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा सर्किट में। फाई कैसे चेंज होगा, सर्किट में एक टाइप का रिएक्टेंस बढ़ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ाते जा रहे हो आप, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा तो इंपीडेंस बढ़ा, इंपीडेंस बढ़ा तो यहां पर पुट कर दीजिए कॉस फाई गिर गया नीचे, कॉस फाई नीचे गिरा तो एक्टिव पावर फ्लो कम हुआ। और अभी जस्ट आपने पावर का रिलेशन देखा, एक्टिव पावर फ्लो कम होगा तो रिएक्टिव पावर फ्लो बढ़ेगा, रिएक्टिव पावर फ्लो बढ़ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, आपकी सर्किट में रिएक्टिव पावर फ्लो ज्यादा होने से वर्क डन की एफिशिएंसी आपके सर्किट की घट गई, वर्क डन की एफिशिएंसी घट गई सर्किट की, है ना मनोज, अनअकैडमी ऐप पर सुबह 8:30 बजे 8:30 AM मैग्नेटिक सर्किट्स का पोर्शन उस पर चल रहा है। ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है पावर फैक्टर। तो अगर सपोज कर लीजिए, इसीलिए जब एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होती है सर्किट में तो हम क्या कर देते हैं, उसको काउंटर करने के लिए एक्सी लगा देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले आते हैं सर्किट में, तो दोनों मिलकर बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को। देखिए जेड इज इक्वल्स टू अगेन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 10 है, ठीक है, एक्सएल की वैल्यू 100 हो गई और एक्सी 0 था, तो इसका रिजल्टेंट कुछ अलग आता, जेड की वैल्यू हाई रहती। अब मैं एक्सी इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पार्ट जो है वो भी ले आया सर्किट में,
अब मेरा जो फॉर्मूला है वो ऐसा हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 50 का होल स्क्वायर। मान लीजिए एक्स ही लगा दिया मैंने 50 का, अब जेड की वैल्यू क्या होगी, इससे लिमिट होगी, जेड रिड्यूस होगा यहाँ से। और जेड जैसे ही रिड्यूस होगा, यहाँ पे आप देखिए जेड रिड्यूस होते ही पावर फैक्टर बढ़ेगी सर्किट की, पावर फैक्टर बढ़ेगी तो एक्टिव पावर फ्लो बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ी तो एक्टिव पावर फ्लो इंक्रीज हुआ, एक्टिव पावर फ्लो इंक्रीज होगा तो रिएक्टिव पावर फ्लो घटेगा, रिएक्टिव पावर फ्लो घटेगा तो सर्किट जो है वो ज़्यादा बेटर वे में वर्क डन कर पाएगा, ज़्यादा बेटर वे में वर्क जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड है इसमें। वन क्वेश्चन सर, टंगस्टन हीटर इज टोटली रेजिस्टिव लोड, देन फेज डिफरेंस इज जीरो एंड पावर फैक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली वन, इज दिस राइट? नो, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। अभिषेक, इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर भी देखने को मिलेगा आपको, वहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। और पावर फैक्टर के केस में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल इन द केस ऑफ पावर फैक्टर इज वन। पावर फैक्टर आइडियली कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। पावर फैक्टर आइडियली कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। क्या ये वाकई में हो पाता है क्या कभी ऐसा? ऐसा तब होगा जब प्योरली रेजिस्टिव लोड जुड़ा होगा सर्किट में। एसी का एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, याद करिए, आरएलसी का, आर का एनालिसिस किए तो फाई की वैल्यू कितनी मिली हमको, फेज डिफरेंस एंगल 0 डिग्री। इसको पुट किए तो पावर फैक्टर यूनिटी आ गया, पावर फैक्टर कितना आ गया? यूनिटी, ठीक है। लेकिन कंडीशन कौन सा था? ये आइडियल केस था, दिस इज एन आइडियल केस। प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स जो होती हैं, सर्किट कुछ ना कुछ इंडक्टिव या कैपेसिटिव इफेक्ट शो करेगा। इंडक्टिव ज़्यादातर इंडक्टिव ही इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू द कैपेसिटिव इफेक्ट, जिसकी वजह से पावर फैक्टर कभी भी एक्चुअल वैल्यू यानी कि वन पे कभी भी नहीं पहुंच पाता है। आइडियल केस है वो प्योरली आइडियल कंडीशन है। तो प्रैक्टिकल भी कितना अलाउड है, परमिसिबल कितना है? 0.8 पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग इज अ प्रिफर्ड कंडीशन, इट इज अ प्रिफर्ड पावर फैक्टर। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है आपको बोलेगी कि 0.8 तक का पावर फैक्टर कम से कम मेंटेन करो, इट इज़ अ गुड पार्ट, है ना। 0.8 जो है वो मैक्सिमम गुड पावर फैक्टर आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आपके घरों की बिजली बिल में देखिएगा पावर फैक्टर का कैलकुलेशन आता है, तो घरों में इंडक्टिव लोड उतना ज़्यादा है नहीं हमारे पास। बाय डिफॉल्ट अगर रिएक्टेंस में कोई आपसे पूछे कि कौन सा टाइप का रिएक्टिव लोड ज़्यादा होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टिव लोड ही ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटिव वाला रिएक्टिव लोड बहुत कम जगह यूज़ होता है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में इंडक्टिव रिएक्टेंस बेस्ड लोड यूज़ होता है, क्योंकि हम मोटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और मोटर कंप्लीटली इंडक्टिव लोड का एग्जाम्पल बन जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे मोटर्स और काफ़ी ज़्यादा HP के, काफ़ी ज़्यादा किलोवाट्स के मोटर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टिव पावर फ्लो बढ़ती है सर्किट में, रिएक्टिव पावर फ्लो जो है वो बढ़ता है ना। तो रिएक्टिव पावर फ्लो के बढ़ने से क्या होता है कि ये पावर फैक्टर गिरना शुरू हो जाता है। अब ये पावर फैक्टर गिरते गिरते हो सकता है 0.3 पे पहुंच गया, 0.4 पे पहुंच गया, है ना। तो 0.8 से अगर नीचे जाता है पावर फैक्टर तो इंडस्ट्रीज को लगती है पेनाल्टी। ये पेनाल्टी कौन लगाता है? ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगाती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगाती है ये पेनाल्टी। ये चार्ज करती है कि भाई तुमने पावर फैक्टर मेंटेन नहीं किया, तुम्हारा पावर ड्रॉइंग जो है वो रिड्यूस हुआ, है ना। अच्छा ठीक है गुरुजी, आप कर लो करो, रनिंग करो। फ्लिप गेमर, ओके। एलईडी लाइट्स में क्या कैपेसिटर रहता है? हाँ, उसमें रहता है, ड्राइवर के तौर पे उसको यूज़ करते हैं, एलईडी लाइट्स में ड्राइवर के तौर पे उसको यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। फैन में कैपेसिटर जो है ना अभिषेक, वो शुरुआती स्टार्टिंग टॉर्क के लिए लगाया जाता है। इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो आपके फैन को, जब रेस्ट के स्टेट में एक पंखा रहता है तो उसको घुमाने के लिए, शुरुआती इनिशियल रोटेशन के लिए उसकी आर्मेचर को ज़्यादा करंट चाहिए रहती। अब ज़्यादा करंट अगर वो ड्रॉ कर लेगा सर्किट से तो बाकी लोगों की तरफ करंट कम पड़ जाएगी, बाकी चीज़ों के लिए करंट कम पड़ जाएगी, और जिस वायर से वो जुड़ा हुआ है हो सकता है वो वायर उतनी करंट जो है उसे बेयर ना कर पाए। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको एक कैपेसिटर अपना खुद का दे दिया जाता है कि भाई तू ये रख कैपेसिटर, तू इसमें अपनी चार्ज जमा करके रख, और जब तुझे ज़्यादा करंट चाहिए होगी तो जितनी करंट तू सर्किट से ड्रॉ करता है वो ड्रॉ कर और बाकी की करंट अपने कैपेसिटर से ले लियो, है ना। तो कैपेसिटर क्या होता है, जब डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो ये करंट भेजेगा प्लस सर्किट से भी उसको करंट मिल रही है, तो ये दोनों मिलके उसका आर्मेचर का करंट जो है वो हाई हो जाता है। आर्मेचर को शुरुआती स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने में किसी भी मोटर को ज़्यादा मेहनत लगती है जब वो रेस्ट के स्टेट में रहता है, है ना, जब वो इनिशियली रेस्ट के स्टेट में रहता है। कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, घर का पानी का पंप हो, चाहे ये सब हो,
तो इन सब कुछ शुरुआती टॉर्क ज़्यादा चाहिए रहती है, जिसके लिए इनका आर्मेचर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। अब ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो फुलफिल कैसे होगा, मेन सप्लाई लाइन से ड्रॉ कर लेगा वो, तो ऐसा ना हो इसलिए उसको कैपेसिटर, खुद का कैपेसिटर जो है वो दे के रखा जाता है ना। अनअकैडमी ऐप पर, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशल क्लास के फॉर्म में रहेगा मनोज, तो उसके थ्रू ये होता है ना। फॉर रिड्यूस लैगिंग भी होता है या नहीं सर, टीचर पूछे तो बता सकते हैं। लैगिंग कंडीशन 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ऑब्वियसली लैगिंग इसलिए क्योंकि बिकॉज हम इंडक्टिव लोड की ज़्यादा बात करते हैं। डे टू डे लाइफ में हमारा इंडक्टिव लोड का ही कंपोनेंट हाई रहता है हमेशा, घरों पर भी। बट घरों में क्या होता है कि उतना भी ज़्यादा इंडक्टिव लोड हम नहीं यूज़ कर लेते हैं कि पूरा पावर फैक्टर 0.8 से नीचे चला जाए, इसलिए हमारे बिजली बिल में नॉर्मली पेनाल्टी का सीन जो है वो उतना दिखेगा नहीं आपको। इंडस्ट्रीज़ में हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा मोटर्स यूज़ करते हैं कि वो कंडीशन है। यहाँ पर लैगिंग का केस जो है इट इज़ जेन्युइन, लैगिंग का केस जो है जेन्युइन, तो इतना मेंटेन करना पड़ता है पावर फैक्टर को। कैपेसिटर बर्न हो जाने के बाद फैन को क्या करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा आपको रन करने, क्योंकि उसकी जो जितनी रिक्वायरमेंट है करंट की वो उसको नहीं अगर मिल पाएगी तो वो कैसे फुलफिल करेगा, कैपेसिटर तो डेड हो गया। तो अब क्या करोगे आप, उसको थोड़ा सा पुश करके उसको रन करवाओगे, जब वो एक मोमेंटम पकड़ेगा तो अपने आप जितनी करंट उसको मिल रही है उतने से उसका काम चल जाएगा और धीरे धीरे वो उतनी स्पीड गेन कर लेगा। तो ऐसे पंखों में ये हाल होता है, आप देखना जब कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो ऐसे डंडे से पंखे को घुमाना पड़ता है, तब जाके वो फ़ैन आपको घूमना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसका उसके आर्मेचर पर उतनी करंट नहीं जा रही है, तो उसकी गलती नहीं है, वो कैपेसिटर की गलती है कि कैपेसिटर आप उसको नया प्रोवाइड कर दो, तुरंत वो कवर अप कर लेगा वहाँ से, ऐसा है। हाँ, ड्यू टू हैवी करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग इट कैन बर्न द वाइंडिंग, है ना, आदित्य ने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, यही चीज़ होती है, इसी चीज़ की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये था पावर फैक्टर और ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंस। लास्ट में जाते जाते एक बढ़िया सा चीज़ आप लोगों से पूछ लेता हूँ, जो कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने मुझसे पूछा था कि घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, आप जो भी बिल पे करते हैं ये कौन सा बिल है, क्योंकि मैंने तब तक पावर पढ़ाया नहीं था आपको, इसीलिए मैं, क्योंकि पावर के टर्म्स में मैं पूछना चाह रहा था। तो आप जो बिजली का बिल पटाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, कौन सी पावर के लिए पे करते हैं? आप एक्टिव पावर का बिल पे करते हैं या रिएक्टिव पावर का बिल पे करते हैं या आप एपरेंट पावर का बिल पे करते हैं? ये क्वेश्चन है। बिल का कैलकुलेशन आप सभी को पता है, यूनिट्स के फॉर्म में रहता है ना, और 1000 वॉट्स एक घंटे के अकॉर्डिंग आपका एक यूनिट का बिजली का बिल बनता है। यूनिट का फिर मल्टीप्लिकेशन होता है आपके टैरिफ से, फिर सरचार्ज जुड़ता है और उसके उसको सब कुछ मिला करके आपका बिजली का बिल बन जाता है। ये तो ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से पावर का बिल आप पटाते हैं, आपके घर पर जो बिजली का बिल आता है ये कौन सी पावर का रीडिंग, कौन सी पावर का के अकॉर्डिंग ये बिजली का बिल बनता है। इसका आंसर कल कर सकते हैं, इसका आंसर आज करने नहीं बोलूंगा, कल करेंगे। अभिषेक, इंडस्ट्री में पहले वर्क किया मैंने, मैंने इंडस्ट्री में वर्क किया है और इलेक्ट्रिकल के ही कोर सेक्टर में वर्क किया है मैंने, बट ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक साल ही वर्क किया, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं उस बारे में, बट हाँ किया है। पावर प्लस SID, ये दोनों ही सेक्टर पे मैंने वर्क किया हुआ इस ड्यूरेशन में, पावर और SID सेक्टर दोनों पर ही वर्क किया मैंने। ठीक है, तो आज का सेशन अब यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ, ये आप लोगों के लिए जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन, कल की क्लास में मिलूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और प्लस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा, क्योंकि कल से आप लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो रहा है सिंगल फेज AC का। सिंगल फेज AC में पढ़ने वाला कंटेंट पूरा कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, अब न्यूमेरिकल का कंटेंट कल से शुरू हो जाएगा। 2 से 3 दिन या 3 दिन मैक्स टू मैक्स 3 दिन में हम लोग वाइंड अप कर लेंगे इसके पूरे न्यूमेरिकल पार्ट्स को, अलग अलग वैरायटी का न्यूमेरिकल, आपको सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल कंबाइंड ये तीनों पार्ट के न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। टाइम कांस्टेंट और इसका LC और RL सर्किट का आपको मैं ऑसिलेटर का पार्ट भी और प्लस थोड़ा बहुत फर्स्ट ऑर्डर का जो एनालिसिस है ये दोनों ही बता दूंगा ग्रेजुअली, लेकिन पहले मेन पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो चलिए अब आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप पावर से जुड़ा हुआ सारा का सारा चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, पावर एंड पावर फैक्टर का आज जितना हम लोगों ने पढ़ा, और कॉफ़ी जब जब पियेंगे अगली बार तो पावर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पीते पीते, आपको याद आ जाएगा पूरा। तो मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, सेम टाइमिंग सेम एनर्जी के साथ फुल ऑन मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सो टेक केयर एंड गुड नाइट एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।